जैसा कि देख सकते हैं आप, ये वैक्सीन कैप्सूल है, स्टेप है, 10 कैप्सूलों के स्टेप में आता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप होता है इसका, बहुत ही अच्छा कलर होता है इसका, ब्लैक और पिंक में होता है, हल्का ब्लैक पिंक कलर का, दो कलर का एक कैप्सूल होता है ब्रांड। अब फ्रेंड इसका जो कंपोजिशन है उसकी बात करते हैं। सेफैक्सिलिन 500 mg से इस वैक्सीन कैप्सूल को बनाया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कैप्सूल है वैक्सीन 500 mg वाला। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करता है। अब बात करते हैं इसकी कंपनी की, कौन सी कंपनी है इसकी। कंपनी देख सकते हैं आप, ये ग्लैक्सो कंपनी का है, बहुत ही अच्छी इंडिया की नंबर वन कंपनी, जानी मानी कंपनी, ब्रांडेड दवाइयाँ बनाती है सभी। इसकी मैन्युफैक्चर डेट पर नज़र डालते हैं, इसकी मैन्युफैक्चर डेट है जून 2018, एक्सपायर हो रहा है जनवरी 2020 में, काफ़ी लंबी एक्सपायरी है। उसकी MRP की बात करते हैं, पूरे स्टिक की कितने रुपये की, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको, 162 रुपये का मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं बहुत आसानी से, यानी कि आपको 16 रुपये का एक कैप्सूल ले सकते हैं, मेडिकल से मिल जाएगा 16 रुपये का एक कैप्सूल। 10 कैप्सूल लेना है तो आपको 162 रुपये खर्च करना पड़ेंगे, तब आपको 10 कैप्सूल मिलेंगे। इसे कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना है उसकी बात करते हैं। जैसे आपको जख्म हो गया, अंदरूनी जख्म हो गया, या कुछ पुराना जख्म है, घाव है, भर नहीं पा रहा है, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसमें पस पड़ गया, जख्म में जो पस जो है सूख नहीं पा रहा है, आप बीटाइन लगा रहे हैं, बीटाइन लोशन से ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप जैसे नॉर्मली टैबलेट वगैरह चला रहे हैं तो उससे जख्म, सिप्लॉक्स वगैरह चला रहे हैं एंटीबायोटिक, इससे जख्म सूख रहा है लेकिन फिर वैसी हो जा रहा है, तो उन कंडीशनों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। वैक्सीन 500 mg का बहुत ही बेहतरीन ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करता है बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका फ्रेंड। ये कैसा भी आपका जख्म हो, अंदरूनी जख्म हो या ऊपर जख्म हो या पूरी बॉडी में कहीं पर जख्म हो, उसे ठीक करता है, ये बहुत जल्दी ठीक करता है, बहुत अच्छा। आप पहले दिन से इस कैप्सूल को लेंगे, आप पहले दिन से इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बेटर रिजल्ट है इसका। डोज की बात करते हैं, इसे डोज को लेना है 18 साल के ऊपर के लोगों को लेना है, इसे बच्चे को नहीं देना है। बच्चे के लिए वैक्सीन किट टैबलेट नाम से आती है, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो टैबलेट लेना है 18 साल के ऊपर के बच्चों को, 18 साल के ऊपर के लोगों को इस कैप्सूल को लेना है और इस्तेमाल करना है इसे। एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल शाम, सुबह शाम खाना खाने के बाद ही लेना है कैप्सूल को। पानी इसके साथ इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और फ्रेंड अगर आप इस टैबलेट कैप्सूल का इस्तेमाल करना है तो आप अपने पहले सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर या कोई फ्रेंड डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, वैसे आप इस्तेमाल ना करें। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जैसे आप इस कैप्सूल को लेंगे तो आपको पेट में दर्द हो सकता है, भूख खाई आ सकती है और डायरिया बन सकती है, मतलब लैट्रिन बार बार आ सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट हैं ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें, वैसे आप इस्तेमाल ना करें इस कैप्सूल का। ये चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड बहुत आपको, और ये प्रेगनेंसी महिला होती है तो उनके लिए सेफ है ये, वो बच्चे उसके चिल्ड पे जो बच्चे को होता है कोई असर नहीं करेगा, ये असर नहीं पड़ेगा, उन्हें भी दे सकते हैं आप। अगर कोई जख्म वगैरह हो गया है, अंदरूनी इन्फेक्शन हो गया है, या कोई दांतों में से पस आ रहा है, पस दाढ़ पक गई है, जो दांत होते हैं उनमें पस पड़ जाता है, कभी सड़ जाती हैं, तो उन्हें उनके अंदरूनी जख्म को सुखाने के लिए, पस को सुखाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करा जाता है। बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है फ्रेंड, बहुत अच्छा कैप्सूल है फ्रेंड, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।